कांग्रेस पार्टी के 4 से 25 एमपी होते थे, आज कांग्रेस के पूरे देश में 44 एमपी है। 44 एमपी, 4 से 25 एमपी वाली पार्टी 44 पे आकर के खड़ी हो गई। आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर से खत्म, आज कांग्रेस हरियाणा दिल्ली से खत्म, आज कांग्रेस यूपी से खत्म, आज कांग्रेस बंगाल से खत्म, आज कांग्रेस मध्य प्रदेश झारखंड से खत्म, आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ से खत्म, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आज साथियों सारे प्रदेशों से, चाहे उड़ीसा है, चाहे तमिलनाडु है, केरला है, सब जगह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को खत्म किया है, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने खत्म किया है उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इंडिया में अकेला रक्षा रखती है, अकेला अपने नाम पर पूरे इंडिया में। अमिताभ बच्चन जी एक चैनल चलाते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल आया, क्या सवाल था, 1 करोड़ जीतने वाला एक व्यक्ति था, उसको कहा गया कि इस देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें लड़ने वाली कौन सी पार्टी है, नंबर 1 पे लिख दिया बीजेपी, नंबर 2 पे कांग्रेस, नंबर 3 पे बीएसपी, नंबर 4 पे सीपीआई, 4 नाम लिख दिए गए और ऑप्शन दे दिया, बताओ कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ी है। अमिताभ बच्चन ने कहा अगर सवाल गलत हो गया 1 करोड़ हार जाएंगे, सवाल ठीक हो गया 1 करोड़ जीत जाएंगे। उसने कहा छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, उसने कहा जी मैं खेलूंगा, कहता बताओ, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी, कहता 1 करोड़ गया, क्यों गया, उसने सोचा था कि बीजेपी के सबसे ज्यादा एमपी चुन करके आए हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी है, तभी अमिताभ बच्चन ने कहा बीजेपी 20 पार्टियों के साथ लड़ रही है, कांग्रेस भी 20 के साथ लड़ रही है, अकेले अगर इस देश में कोई पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है वो बहुजन समाज पार्टी है। आज अमिताभ बच्चन ने बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने का काम किया। आज अमिताभ बच्चन कहता है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले